प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एकजुट हुए सभी 17 संगठन अपनी हड़ताल पर बने हुए हैं। इस हड़ताल के कारण जनपद, जिला एवं ग्राम पंचायत के सभी काम ठप पड़े हुए हैं। गौरतलब है कि मोर्चे के द्वारा हड़ताल पर जाने से पहले सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था, इसके बाद 2 दिवसीय अवकाश भी रखा गया था। वहीं संयुक्त मोर्चा बालाघाट इकाई के सदस्यों ने कहा है कि सरकार को संयुक्त मोर्चा की मांगों को गंभीरता से लेते हुए उसके निराकरण का आदेश करना चाहिए, तब यह हड़ताल खत्म करने के बारे में विचार किया जाएगा। वहीं इस हड़ताल के कारण आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। हम लोगों की प्रमुख मांग है कि जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत के जो संविदा अधिकारी कर्मचारी है, उन सभी अधिकारी कर्मचारियों को नियमित किया जाना, साथ ही जो नियमित अधिकारी कर्मचारी है उनकी वेतन विसंगति को दूर करना, क्रमोन्नति, पदोन्नति सहित विभिन्न प्रकार की हमारी समस्याएं हैं जिसका शासन स्तर पर निराकरण होना लंबित है। वेतन संबंधी क्या विसंगति है? वेतन विसंगति में जैसा कि सचिवों के साथ जो है छठवां वेतनमान लागू किया गया है जिसकी गणना दूषित है। और क्या क्या मांगे हैं? और हमारी मांगे कि जो मनरेगा में लेबर नियोजन होता है वो मांग आधारित योजना है, उसमें लक्ष्य आधारित कर दिया गया है, उसको समाप्त किया जाए। वर्तमान में हमारा डेलीगेशन 20 तारीख को ही जो भोपाल में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सम्माननीय सिसोदिया जी है उनसे, उनके निवास पर 17-18 संगठनों के समस्त प्रदेश अध्यक्ष का डेलीगेशन गया हुआ था। वहाँ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई, किंतु माननीय मंत्री महोदय जी के द्वारा जो है सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, जिसके फलस्वरूप पूरे कर्मचारी दुखी और निराश होकर अनवरत आंदोलन के लिए मजबूर हो गए। अभी जो है ये कब तक आपकी जो हड़ताली ऐसी चलती रहेगी? अभी वर्तमान में जो है हम लोगों का पूरा मध्य प्रदेश स्तर पर समस्त ब्लॉक, जिला मुख्यालय पर शासन के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें ज्ञापन देकर सहमति प्राप्त की जा रही है, ताकि सरकार जनप्रतिनिधियों के समर्थन के आधार पर हमारी मांगों का निराकरण करे। यदि इसके बावजूद भी सरकार यदि नहीं मानती तो हमारा आंदोलन स्टेप बाय स्टेप चलेगा, जहाँ तक भोपाल से दिल्ली तक भी आंदोलन करना पड़े तो करेंगे। हमारे जो मनरेगा विभागीय समिति है उसकी मतलब ये टेबल वाइज ये गई मांग है, मतलब है ना कि ऑलरेडी 500 पद सृजित है आरईएस में, है ना, उन सारा के 500 पदों में मनरेगा के उपयंत्री का संकलन किया गया और ये फाइल ऑलरेडी स्वीकृत है और आयुक्त मैडम ने फाइल मतलब यूएनसी को भेजा हुआ है। तो संगठन के साथ हम जुड़े हुए संयुक्त मोर्चा के साथ सरकार हमारी इस मांग को शुरू करवा दी। अभी इस संबंध में आपकी किसी मंत्री से या शासन स्तर पर किसी अधिकारी से कोई चर्चा हुई? नहीं, इस संबंध में चर्चा नहीं, उन्होंने कहा कि फाइल पूछनी चाहिए, यहाँ से फाइल भेजा हुआ। ऊपर से जो आपके जो प्रदेश स्तर के जो संगठन है, आपके मुखिया है, उनकी उनकी तरफ उनके साथ क्या कोई बातचीत हुई है कि कब तक ये हड़ताल को जारी रखना है? हड़ताल तो हमारे संयुक्त मोर्चा की, तब तक हड़ताल चलते रहेगी, हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर जुड़े रहेंगे, जब तक हड़ताल आखिर तक जाएगी, जब तक निराकरण नहीं होता तब तक हड़ताल चलते रहेगी। देखिए, मध्य प्रदेश में आज की स्थिति में कर्मचारी अधिकारी संवर्ग जो है, विशेष रूप से पंचायत ग्रामीण विकास विभाग का, सरकार की जो आज की जो स्थिति है, सरकार ने जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो आज की स्थिति में कर्मचारियों के साथ में जो भेदभावपूर्ण वातावरण स्थापित किया हुआ है, उसके सरकार के प्रति आक्रोश है। बहुत बड़ी बड़ी मांगे नहीं हैं, छोटी छोटी मांगे हैं, कर्मचारियों की छोटी छोटी मांगे यदि पूर्ण हो जाए तो निश्चित रूप से जो है सरकार के साथ में कर्मचारी भी जो अभी तक कदम से कदम मिला करके काम किया है और विभिन्न प्रकार की योजनाओं में सफलता मिली है तो निश्चित रूप से आगे भी करते रहेंगे। लेकिन क्या ये मांगों की पूर्ति करना बहुत अनिवार्य है? लंबे समय से मध्य प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी अधिकारी अपनी मांगों को लेकर के, विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर के जो है कंटिन्यू रूप से मतलब मांग करते जा रहे हैं, किंतु अभी तक जो है गवर्नमेंट के द्वारा कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। नहीं, अब
इसके लिए तो वो सरकार जाने की भी क्यों नहीं करना चाह रही है, किस कारण से नहीं करना चाह रही है? नहीं, ये ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में कोरोना का एक तो विषय सामने में आया हुआ है, लेकिन हमारा ये कहना है कि भाई मध्य प्रदेश में कर्मचारी अधिकारियों ने जो कोरोना काल में ग्रामीण विकास के कर्मचारियों ने जो काम किया है, ग्रामीण क्षेत्र में काम किया है, विभिन्न प्रकार का कार्य किया है, वो तो अद्वितीय है, स्मरणीय है, सरकार के हर एक नियम और आदेशों का पालन किया है। तो कर्मचारियों के बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और उनके हित में कुछ कदम उठाने चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।